हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीवेश और आज हम करने वाले क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर फसलों के त्यौहार का। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, खिचड़ी में ऐसा जाड़ा हम पहले कबो ना देखनी, यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? और उत्तर, यहाँ खिचड़ी एक त्यौहार का नाम है जो जनवरी माह में आता है, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी आदि। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? होली का त्यौहार मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन लोग ऊंच नीच का विचार भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और खुशियां मनाते हैं, और इस दिन सुबह से ही काफ़ी सक्रिय रहता हूँ। सक्रिय होता है एक्टिव, तरह तरह के पिचकारियों में रंग भरकर लोगों पर फेंकता हूँ, स्वादिष्ट पकवान खाता हूँ, नए कपड़े पहनता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वो समय का अनुमान किस तरह लगाते होंगे? आंसर, चारों तरफ कोहरा होने के कारण समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। सर्दियों में कोहरे के कारण सूरज दिखाई नहीं देता, लोग सूर्य की स्थिति से समय का अंदाज़ा लगाते हैं। जिनके पास घड़ी नहीं होती है वे समय का अनुमान सूरज की चढ़ती, घटती, बढ़ती, उतरती स्थिति से लगाते हैं। रात के समय का अंदाज़ा भी पहर के अनुसार करते हैं। प्रश्न 4, फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है, तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। तिल से तिल गुड़ बनाए जाते हैं, रेवड़ियाँ और गजक जैसी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। उत्तर, तिल के अलावा सरसों, राई, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली आदि से तेल बनता है, बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विविधता हमारे देश की पहचान है, फसलों का त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करें। भोजन, भाषा, कपड़ा, लोक कला, नया वर्ष और लोक संगीत। इसका आंसर है भाषा। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, गढ़वाली, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, नेपाली, असमिया, सिंधी, मलयालम इत्यादि। कपड़े, हर प्रांत में परिधानों में मुख्यतर साड़ी, सूट, लहंगा विवाह अवसर पर पहने जाने वाला परिधान ही स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। पुरुषों में धोती, कुर्ता, पजामा पहना जाता है। नया वर्ष अलग अलग जगहों पर नया वर्ष मनाने का तरीका अलग होता है, जैसे वैशाखी पंजाब में मनाया जाता है और उदांगी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है।
और विशु बनाया जाता है केरल और तमिलनाडु में। और अब आगे आते हैं, गुड़ पड़वा महाराष्ट्र में बनाया जाता है। अब सिक्स का आंसर चल रहा है, अभी भी भोजन। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं, जैसे छोले भटूरे, राजमा, मक्के की रोटी व सरसों का साग। पंजाब में बनाया जाता है और खाया जाता है ये डोसा, इडली सांभर दक्षिण भारत में, खाखरा भाकरवाड़ी, ढोकला थेपला गुजरात में, रोगन जोश रिश्ती दमालू वाजवान कश्मीर में बनाया जाता है, माछ भात शुक्तो मिस्तीदोई बंगाल में, दाल बाती चूरमा गट्टे की सब्जी राजस्थान में। लोक कला, प्रत्येक प्रांत की लोक कथा वहाँ की संस्कृति का परिचय देती है, जैसे मधुबनी बिहार, चित्तर दक्षिण भारत, तंजावुर तमिलनाडु, थंगक तिब्बत में, और पाचचित्र उड़ीसा, पिछवई तथा फड़ राजस्थान, बाटिया दक्षिण भारत तथा बंगाल। ये लोक संगीत है, ये आप है ना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप है ना इनमें एक दो एग्जांपल लेकर लिख सकते हो। और मैं इस वीडियो यहीं पे रोक रहा हूँ, एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और देख लेना इसको, या फिर आप वीडियो पॉज कर देख लेना। लोक संगीत आप खुद पढ़ना, यह भी सिक्स का ही आंसर है। ये लो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। खिचड़ी बनाने की विधि, आंसर मतलब कि उत्तर, विधि। इलायची दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा आती है। जो मेरी मम्मा खिचड़ी बनाती है ना, वो तो बाजरे को कोट कर उसमें चने की दाल, चावल डालकर, मूंग की दाल डालकर, नमक डाल कर और बनाती हैं। शायद आपको भी ऐसे ही बनाया जाता होगा, लेकिन आप इस तरीके को भी पढ़ लेना, क्योंकि यह जो वहाँ पर बिहार की साइड की है ये तरीका। देखो ये इसका आंसर है पूरा। ठीक है, यहीं पर वीडियो हमारी ख़त्म होती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करो, शेयर भी करना, थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स।